चाणक्य कहते हैं, बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले और अशुद्ध स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। वैश्याएं निर्धनों के साथ नहीं रहती, नागरिक कमजोर संगठन का समर्थन नहीं करते और पक्षी उस पेड़ पर घोंसला नहीं बनाते जिस पर फल ना हो। चाणक्य कहते हैं, नदियों, शस्त्र धारण करने वाले पुरुषों, पंजों या सिंह वाले जानवरों, स्त्रियों और राज परिवार के सदस्यों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, परिश्रम करने की उम्र में अगर आराम करेंगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करना पड़ेगा। घर के झगड़े, स्वयं का हुआ अपमान, अपनी आय और घर के स्त्री के साथ हुई कोई व्यक्तिगत बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। पुरुष जब स्त्री से हारने लगता है तब सबसे पहला हमला उसके चरित्र पर करता है। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। चाणक्य कहते हैं, कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब कर देता है ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। बीमारी, दुर्भाग्य, अकाल और आक्रमण के समय जो कोई भी आपकी सहायता करता है वही वास्तविक अर्थ में आपका सच्चा भाई है। चाणक्य कहते हैं, कांटों और दुष्ट लोगों से निपटने के दो तरीके हैं, एक उन्हें कुचल देना और दूसरा उनसे दूर रहना। पंछी कभी भी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। चाणक्य कहते हैं, इन सातों को नींद से नहीं उठाना चाहिए। शेर, सर्प, नृप, डंक मारने वाला ततैया, छोटे बच्चे, दूसरों के कुत्तों को और एक मूर्ख व्यक्ति को। जो धैर्यवान नहीं है उसका ना वर्तमान है ना भविष्य। चाणक्य कहते हैं, कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की जरूरत होती है। चाणक्य कहते हैं, जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता ना करते हुए वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। ऐसा प्रेम जो आपके व्यक्तित्व को नष्ट कर दे वह प्रेम प्रेम नहीं, अपराध है। कभी किसी और के लिए अच्छा बनने की चेष्टा ना करें, क्योंकि आप तब तक अच्छे हैं जब तक सामने वाले को आपसे लाभ है। जल्दीबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।